आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये चार प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट 71000 रुपए, संरक्षक 111000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 211000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117727, IFSC कोड PUNB0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद, विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, क्षमा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन निवासी दिल्ली, अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन निवासी सोनीपत हरियाणा। ये तुम्हें तुमने क्लब ले जाओगे, तुम्हें कब्रिस्तान ले जाएंगे। तुम इन्हें भजन सुनाओगे, ये तुम्हें भोजन कराएंगे। यदि तुमने इन्हें समझ गए पत्ते चाट के पत्ते चटवाए तो ये तुम्हें चखने तक से वंचित कर देंगे, दाने दाने को मोहताज कर देंगे। क्योंकि 7 फेरे में 6 फेरे में लड़की आगे होती है और 7वें में लड़का आगे होता है। क्योंकि वो कहती है कि मैं अकेले पाप कर्म ग्रस्ती के कर्म करूंगी तो मैं 6वें नरक तक जाऊंगी, लेकिन मैं ही क्यों जाऊं नरक में, मैं अकेले क्यों जाऊं नरक में, तू मुझे लेके आया था तू 7वें तक जाइयो। तो आप लोग, लेकिन हमारे आचार्य ने बड़ी अच्छी बात कही है कि यदि श्रावक व्रत पालोगे, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तो आप लोग जाप कीजिए। लेकिन जाप के साथ साथ आप घर में रहिए, लेकिन घर में रहने के साथ साथ एक भावना भाइये कि वो दिन कब आएगा जब हम परमात्मा आप जैसे हो जाएंगे, और उसके लिए अभी और इसी वक्त से थोड़ा थोड़ा राग हटाइए। हमारे बच्चे क्या करेंगे, अरे दुआओं का पानी होगा तो पानी भी दूध का काम करेगा। यदि घर में मिल बांट कर रहोगे तो झोपड़ी भी महल का अंदाज देगी, आपको खुश नसीबी का एहसास देगी। घर में मेरे ये नहीं आया, मेरे ये नहीं आया, मेरा ये नहीं आया, अरे घर में एक सेट हो
अब तो बदनसीब ही आगे चल के अकेले ही मिलना है, एक बेटा ही रहना है। ध्यान रखना, खुश मत होना कि तुम्हारा हमारा तो एक ही बेटा है। एक बोली माता जी, तीर्थंकर भी तो एक होते हैं। हमने कही तीर्थंकर एक होते हैं, कुल का नाम रोशन कर देते हैं, तीन लोग के दीपक होते हैं। तुम्हारा एक निकम्मा निकल गया, दो होंगे तो कम से कम दूसरी पे चली तो जाओ। एक निकम्मा निकल गया तो क्या करोगे? और मैं इसलिए नहीं कहती हूँ, आप लोग कभी भी भूल के भी एक पाप मत करना। किसी को भी ऐसी अशुभ सलाह मत देना कि सफाई करा ले क्या करेगी दूसरे का। ये पाप मत कर देना, वरना तुम्हें कम से कम 25 भवों में तो जैन कुल नहीं मिलेगा। सिर्फ त्रियंज या निगोद नरक के अलावा तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि जैन कुल में श्रावक हो जाता, सम्यक दृष्टि हो जाता, श्रेणी भविष्य में चढ़ जाता, वो सिद्ध आत्मा हो जाता। और आपने ऐसी सलाह दी, अरे किसी के बच्चे अपाई जो लाचार हो तो उन्हें वहां छोड़ाना जहाँ की अपाहिज बच्चों को भी सही दिशा दी जाती है। ए लोग, लाज के लिए अपने बच्चों की हत्या मत कराना, क्योंकि नागिन भी भूख से मरती है तब अपने बच्चे खाती है। एक ऐसे काम करा कर विटामिन टॉनिक खाती है, मैंने कि जहर खा लेती मात्र तो बदनाम नहीं होता। कभी मत सोचना कि आर्थिक व्यवस्था नहीं थी। अरे मैं कहती हूँ आपको, ये सत्य बात है कि पुण्य से संतानों को आने देना, तुम्हारा नाम रोशन कर देंगी। जिस संतान को तुम चाहते हो कि नहीं आए और वो आ जाएगी, समझ लेना तुम्हारा पुण्य तीव्र पुण्यात्मा जीव होगा जो तुम्हारे परिवार में आ रहा है। तो आपको समझदारों के लिए इस सारा काफी है, इतना ही बहुत है। तो आप लोग अपने जैन समाज का नाम बढ़े, हमारी वंश परंपरा से, हमारे धर्म की परंपरा, अक्षुण परंपरा चले, इस तरफ आपको गति बढ़ाना है, कदम बढ़ाना है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपका प्रबल पुण्य होगा तो आपकी सभी मनोकामनाएं सहज पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए ईर्ष्या द्वेष कलेश में किसी को नीचा दिखाने के लिए माला मत फेरना, मन बदल जाए इसलिए माला फेरना। बोली आदिनाथ भगवान की। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है मन अच्छा हो और दिल सच्चा हो तो आज और अभी सुख होगा, आज और अभी सुख होगा। क्योंकि हमने, इतिहास कहता है कि कल सुख था। लोग कहते हैं कि पहले के लोग बहुत ईमानदार थे, पहले कोई पाप नहीं होते थे, अत्याचार नहीं होते थे। माना कि थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, लेकिन होते थे। वरना राम की पत्नी चुराने का दुस्साहस रावण ने किया, चंद्रावक को रख लिया राजा मधु ने, और बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जो पहले भी होते थे। यदि पहले बहुत अच्छा युग था तो फिर महावीर बुद्ध किसको समझा रहे थे कि 5 अणुव्रतों का पालन करना। यदि सब अच्छे थे तो फिर अणुव्रतों की जरूरत क्या थी? यदि सब अहिंसक थे तो अहिंसा के उपदेश देने की जरूरत क्या थी? यदि सब चोरी नहीं करते थे तो फिर अचोरी की बात कहने की क्या जरूरत थी? यदि सभी परिग्रह कम रखते थे, जरूरत का सामान रखते थे, तो अपरिग्रह की बात कहने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी? और यदि सभी ब्रह्मचारी थे तो फिर ब्रह्मचारी की बात कहने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी? सभी सत्य बोलते थे तो फिर सत्य घोष कहाँ से आया? उसने इतना बड़ा सत्य बोला कि उसके कारण मरना पड़ा। ध्यान रखना, कभी सत्य पूरा नहीं था। जिस दिन सत्य पूरा हो जाएगा उस दिन आदमी संत हो जाएगा, और संत होकर लौट कर नहीं आएगा, अरिहंत हो जाएगा।
लेकिन हमारी युग युगांतरों से आशा है कि कल सुख होगा। जो मिलता उसको हम कभी नहीं देखते हैं, और सच पूछो हम कहते हैं कि सुख में होकर मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। हम कहते कितनी अच्छी बात कहते हैं, सुख में होकर मगन न फूले, लेकिन जरा सा सुख सुविधा आ जाए तो जमीन पर पैर नहीं टिकते। अहंकार इतनी खतरनाक रोग है, अहंकार का रोग ऐसा है जरा सा पैसा हो जाए आदमी आदमी को नहीं पहचानता है। क्योंकि कहते हैं गरीबी में लोग हमें भूल जाते हैं, अमीरी में हम लोगों को भूल जाते हैं। कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। पास पैसा है तो तू दूल्हा है ये बराती है, पास पैसा है तो तू दूल्हा है ये बराती है। और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है और कौन नाती है। आज पैसा सब कुछ हो गया, माना कि पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसा किस लिए होना चाहिए? हम पढ़ते भी हैं, धन बुरा हो भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन बुरा हो भला कहिए, लीन पर उपकार सो। दान देना कोई बहुत तुम्हारे पुण्य का काम नहीं है, जो तुमने इतना पाप किया है उसका प्रायश्चित है। क्योंकि तुमने जो आरंभ से उद्योग से संकलेश से हिंसा झूठ चोरी कुशील क्या नहीं होता, कुशील का मतलब मात्र शारीरिक संबंध नहीं है, मन आत्मा में नहीं ठहरता है पर द्रव्यों में लगा हुआ है। आप यहाँ बैठे हो सच बताना, कहते चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला, चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा, सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। जो सुख मिला है उसके लिए धन्यवाद दिया है कभी? जो नहीं मिला उसके लिए कितनी शिकायतें की कि भगवान सच्चा नहीं रहा? कभी ये नहीं सोचा मेरा दिल अच्छा रहा या नहीं रहा? मैंने परमात्मा की पूजा आकांक्षा से की, और रोज कहता हूँ कि सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। हमने कि घर जलने पर आग लगने पर मिट्टी का तेल डाला है क्या? आग लगने पर घी डाला है क्या? आग लगती है तो पानी की तलाश करते हो, यहाँ भोगों की इच्छाओं की कामनाओं की वासनाओं की ज्वाला जल रही है उसमें रोज और घी डाल रहे हो, और चाहिए, और कुछ चाहिए, जो नहीं है वो चाहिए। क्या कर लोगे? क्या बड़ा आदमी क्या कर पाता है कभी सोचा? गांव नहीं शहर चाहिए, गरीबी नहीं अमीरी चाहिए, बड़ा आदमी का दुख चाहिए छोटे आदमी का दुख बर्दाश्त नहीं है। कभी सोचना कि बड़ा आदमी भी सुखी नहीं है। जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। संयम कोई त्याग करने का नाम नहीं है, हमारी गलतफहमी यही है ये छोड़ दो ये छोड़ दो ये छोड़ दो। अरे क्या छोड़ दो, छूटा ही हुआ है, तुमने पकड़ रखा इसका बहुत बड़ा दुख है। हमारी पकड़ ही दुख का कारण है। हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह है, जो एक व्यक्ति बहुत बढ़िया लुहार था, उसका नाम था पूरी दुनिया में कि उसकी बनाई हुई जंजीरों का कोई जवाब नहीं। राजा को एक दिन किसी बात पर शक हो गई और सभी जितने लुहार थे उनको
कारागृह में डाल दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाना, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर, नानौता वाले, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधु सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनीषा जैन, सपरिवार मेरठ, श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 02122011177 IFSC PUN B00212100। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।